प्रथम तहलका न्यूज। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये सभी कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ अम्बाला में जमकर प्रदर्शन किया। यहां पर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्ले कार्ड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार तेल की मार, जुमलों की सरकार, महंगाई पर प्रहार, मोदी सरकार जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई है। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर तो कोरोना की मार है तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की मार है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनता महंगाई से त्रस्त है। कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता के आवाज को सुनते हुए भी मोदी सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंगती है। एक ओर कोरोना की मार है और दूसरी ओर महंगाई की मार। जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी देश में। हम हर जगह पेट्रोल पंपों पर विरोध शांतिपूर्वक कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज जो जनता इस महंगाई से, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से त्रस्त है, उसकी और कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। लेकिन ये मोदी सरकार आप जानते हैं के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और आज देश की अर्थव्यवस्था की ये बदहाली हो गई। कोरोना की आड़ में आपने देखा कि पिछले 5 महीने में 43 बार इन्होंने कीमतें बढ़ाई। ये कैसी सरकार है? एक और कोरोना, पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी उसी तरह से बिगड़ गई। इसके साथ ही कुमारी सैलजा ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी तंज कसा। उन्होंने सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया गया है उस पर तंज कसा और कहा कि हर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो फिर ये वैक्सीनेशन सभी लोगों का होगा कैसे? के पास नेट है या नेट के जरिए वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर उन तक मैसेज आ भी जाए तो वहाँ पहुँचते हैं पता चलता है यहाँ पर तो वैक्सीन ही नहीं। कभी कह देते हैं कि इस उम्र के लोगों को लगेगी, कभी कह देते हैं कि जो 18 साल के हैं उनको लगेगी, लेकिन वैक्सीन आपके पास है नहीं। ये बता दें कि आपके पास वैक्सीनेशन के लिए कब तक कितनी मात्रा में वैक्सीन आएगा और कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों का मजाक ना उड़ाएं कि इसको आप आहिस्ता लगाएं, इसको आप ऐसे लगाएं। अपने आप हमारे नौजवान आज उनकी शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा। अगर आपके पास वैक्सीनेशन की प्लान होती तो हमारे नौजवान भी अपने कॉलेजों में जाते, पढ़ाई करते, उनके इम्तिहान होते, उनका भविष्य में कुछ ना कुछ स्टेक होता। लेकिन आपके पास कोई किसी तरह की इंतज़ाम नहीं है और हमारी जनता को ऐसे समय में आपने ऐसे स्थिति में डाल दिया है कि आज उन्हें सरकार पर
कोई भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज के समय में बगावतों का दौर जारी है, तो वहीं इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी में आवागमन तो लगा ही रहता है। ये आवागमन चलता रहता है, कोई कांग्रेस में आता है, कोई जाता है, लेकिन पार्टी हमारी संस्था हमारी विचारधारा किसी भी व्यक्ति से बड़ी है। जो ये जो सोचते हैं कि हमारे से पार्टी चलती है, किसी व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। पार्टी चलती है हमारी विचारधारा से, हमारे नेतृत्व से, हमारे कार्यकर्ता से, और हमारी पार्टी लोगों के बीच लोगों की आवाज़ उठाती है, उठाती रहेगी, मजबूत करेंगे और लोगों की आवाज़। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।